बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ग्लॉसरी ऑफ यूनिट नंबर 2, चाइनीज न्यू ईयर। सो आई स्टार्ट, द फर्स्ट वर्ड इज़ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब आप लोगों ने पढ़ा था, जुड़ना किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ का निस्बत होना, किसी चीज़ का तनासुब होना उस चीज़ के साथ। इसका जो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ इंग्लिश में वो है फीलिंग दैट इज़ कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर इवेंट, कि कोई चीज़ किसी मखसूस मौके के साथ जुड़ी हुई होती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसके साथ उसकी एसोसिएशन है। तो इसके लिए हम एक सिंगल वर्ड जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कनेक्शन। ठीक है जी, आप देखें नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का आप लोग जो है वो पढ़ चुके हैं, सेलिब्रेशन का मतलब होता है तकरीब। तो इसके लिए जो उन्होंने दिया हुआ है पार्टी आर स्पेशल इवेंट एट विच यू सेलिब्रेट समथिंग, कि कोई पार्टी है या कोई ख़ास मौका है जिसके ऊपर आप कोई चीज़ जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, कोई तकरीब जो है वो मनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक तो वर्ड है फंक्शन है हमारे पास, उसके बाद ओकेजन है। बेसिकली जो है वो फेस्टिव ओकेजन होता है या जॉयस ओकेजन होता है, खुशी को जो हम सेलिब्रेशन कहते हैं। और एक वर्ड है फेस्टिवल। तीन वर्ड आप इसकी जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, सेलिब्रेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ओकेजन आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फेस्टिवल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कस्टमरी। कस्टमरी क्या है? आम मामूल या जो चीज़ किसी चीज़ का जो है रिवाज हो किसी जगह पर, तो उसके लिए कस्टमरी वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके मीनिंग आपको मैंने बता दिए। अब इसकी जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है वो है यूजुअल फॉर समबडी, कि किसी के लिए कोई चीज़ जो है वो मामूल की बात हो, मामूली हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कस्टमरी कहेंगे। एंड उसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कॉमन है या फैमिलियर है, ये दो वर्ड हम उसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ गैदरिंग। गैदरिंग का एक तो वर्ड है क्राउड, लेकिन जब घर में लोग आए हुए होते हैं या किसी पार्टी वगैरह में होते हैं तो उसके लिए हम क्राउड जो है वो मुनासिब नहीं लगता लफ्ज़। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है वो है ब्रिंगिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल ऑफ फैमिली, कि ख़ानदान के लोग जो है उनको इकट्ठे करना या उनका इकट्ठे होना क्या कहलाएगा? गैदरिंग कहलाएगा। तो इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो मीटिंग हो सकती है या यूनियन जो है वो हो सकता है, ये दो वर्ड जो है हम इसकी जगह पर इस्तेमाल करते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ लूनर। इसके लिए एक ही जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी हुई है रिलेटिंग टू द मून, कि चांद से मुतलिक, लूनर चांद से मुतलिक जो चीज़ होगी वो लूनर कैलेंडर भी हो सकता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ पार्टेक। पार्टेक का क्या मतलब आप लोगों ने पढ़ा है? हिस्सा लेना किसी चीज़ में, टेक अ पार्ट आर शेयर इट, किसी चीज़ में आप हिस्सा लेते हैं या उसमें जो है वो हिस्सा डालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पार्टेक। एंड इसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो पार्टिसिपेट है, बेस्ट वर्ड है इसके लिए। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट के मीनिंग आप लोगों ने क्या पढ़े थे? वसूल करने वाला या लेने वाला। आगे इन्होंने वर्ड जो है वही दिए हुए हैं, रिसीव से जो है वो रिसीवर जो है वो आ गया है, जो वसूल करने वाला है एक ही बात है। एंड रीइन्विगोरेट। रीइन्विगोरेट का मतलब होता है ताज़ा दम होना, कि अपने आप को किसी काम के लिए नया, और इसके लिए जो उन्होंने आगे बढ़ दिया वो स्ट्रेंथन है, कि अपने आप को मजबूत करना, ताकतवर बनाना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ सिम्बलाइज। सिम्बलाइज का मतलब होता है जाहिर करना, किसी चीज़ की अलामत होना। इसकी एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दी हुई है टू रिप्रेजेंट समथिंग बाय मीन्स ऑफ अ सिंबल, किसी चीज़ को किसी अलामत की मदद से जाहिर कर दिया जाना क्या कहलाएगा? सिविलाइज होगा। तो इसके लिए हम एक सिंपल वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं, शो है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेड्स। ट्रेड्स का आपको पता है कि खूबियाँ हैं, तो इसके लिए जो है वो करेक्टरिस्टिक्स वर्ड जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, उसके मतलब यही है कि किस चीज़ का किरदार जो है वो किस तरह का है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी पार्ट ए इसका जो है वो दिया हुआ है गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन, कि जिस तरह से लेसन में वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुए हैं उनके आप लोगों ने मीनिंग जो है वो दिए हैं। मीनिंग आप लोग पहले याद कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। पहला वर्ड है गैदरिंग। गैदरिंग का क्या है? इसका आप लोग पीछे जो है वो पढ़ चुके हैं, तो मीटिंग है, यूनियन है, या उर्दू में इसका जो है वो इज्तमा है या इकट्ठ है। आगे है कस्टमरी। कस्टमरी
क्या है, फैमिलियर है, कॉमन है, आम है, मामूल की बात है या मामूली है, या थारोली कम्प्लीटली। तो थारोली का मतलब मुकम्मल तौर पर है। आगे है कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस का मतलब भी आम है, मामूल की बात है, इसको भी आप कस्टमरी में ले सकते हैं, कस्टम्ड इसका कर सकते हैं, कॉमन भी कर सकते हैं और फैमिलियर भी कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ पार्टेक, पार्टेक का टेक अ पार्ट आर शेयर इन आर पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना। सिंपल से इसके मीनिंग है। ट्रेड्स के भी पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसके लिए जो है वो दिया हुआ है, तो इसकी जो है वो खूबियाँ मैंने आपको इसके मीनिंग जो बताए थे। री इन्विगोरेट, ताज़ा दम होना, नई ताकत जो हासिल करना, नया जोश वलवला हासिल करना, और दूसरा इसका जो है वो स्ट्रेंथन जो है वो कर सकते हैं आप लोग। तो नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट पेज। इस पर क्या है, इस पर है कि फॉर्म नाउन्स, के नाउन जो है वो आप लोगों ने बनाने हैं फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं, एंड यूज़ द नाउन्स इन सेंटेंसेस, और नीचे जो नाउन आप लोग बनाएंगे उनका, उनके आप लोगों ने सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो एक एग्जांपल उन्होंने जो है वो दे दी है कि सेलिब्रेशन जो है, सेलिब्रेट जो है वो एक वर्ड है, और सेलिब्रेशन जो है वो इसकी मदद से उन्होंने नाउन जो है वो बना दिया है। ऐसे आप लोगों ने बनाने हैं। पहला है गैदर, गैदर से क्या है आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, गैदर से क्या बन जाएगा, गैदरिंग। गैदरिंग का सेंटेंस आप सिंपल बनाएंगे, ये आप लोगों की असाइनमेंट होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक से सिंबल जो है वर्ड बन जाएगा, इसका भी सेंटेंस आप बनाएंगे। प्रॉस्पर है, प्रॉस्पर से वर्ड प्रॉस्पेरिटी बन जाएगा, डेकोरेट से डेकोरेशन बन जाएगा, और इनकरेज से करेज जो है वो वर्ड जो है वो बन जाएगा, या इनकरेजमेंट भी बन सकता है। तो ये कितने वर्ड हैं आप लोगों के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 वर्ड्स हैं आप लोगों के, और 6 आप लोगों ने नाउन इनके बनाने हैं, और 7 आप लोगों ने इनके सेंटेंसेस बना के आप लोग मुझे भेज देंगे, मैं चेक कर लूँगा। तो इंशाल्लाह टुमारो विद न्यू लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।